एक मतलब अजीब सी सोसाइटी में है जहाँ पे लगभग 11 बजे के करीब रोहन के पुराने घर में चले गए। सबके आंखें एकदम बंद थे, किसी लड़की के हंसने की आवाज आई। तब अचानक राजीव लड़कियों की आवाज में अजीब टाइप की लैंग्वेज में बात कर रहा था। हेलो इनिस फैम, आज जो स्टोरी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, मतलब आई डोंट नो, मैंने आज तक जितने सारे स्टोरीज मैंने आपके साथ शेयर किया है ना, ये मुझे आज तक का सबसे ज्यादा डरावना स्टोरी लग रहा है। मतलब आपको तो पता ही है कि मैं बहुत सारे हॉरर चैलेंजेस, 3 AM चैलेंजेस, बहुत सारी चीजें ट्राई करती हूँ, एंड मुझे मतलब कभी कभी मन भी करता है कि एक बार करके देखते हैं कि कुछ होता है या नहीं होता है। बट ये स्टोरी पढ़ने के बाद मेरा मन कर रहा है कि मैं कभी भी और कोई भी हॉरर चैलेंज या हॉन्टेड रिचुअल्स ट्राई ही ना करूं। सो गाइस, बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। करने से पहले आपको एक बहुत यूजफुल ऐप के बारे में बताऊंगी। सो मैं चाहती हूँ जिससे मैं एक्स्ट्रा इनकम कर सकती हूँ, वो फायदा आप भी उठाओ। सो जिस ऐप के बारे में मैं बता रही हूँ उसका नाम है बिनोमो। बिनोमो एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ट्रेड करके पैसे कमा सकते हो। तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट में लिंक दे दिया है, एंड अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेगा। सो बिनोमो का इंटरफेस कुछ ऐसा है, यहाँ पे आपको रियल अकाउंट एंड डेमो अकाउंट दिखेगा। तो रियल अकाउंट में आप रियल पैसों से खेल सकते हो, एंड यहाँ पे डिपॉजिट का ऑप्शन भी मिलता है। आपको बस प्रेडिक्ट करना है कि ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे। अगर प्रेडिक्शन सही होता है तो आप पैसे जीत जाओगे। यहाँ पे आप अमाउंट भी सिलेक्ट कर सकते हो कि कितने रुपए का आप ट्रेड करोगे। मेरा एक फेवरेट फीचर है 5 सेकंड ट्रेड। इसमें हर 5 सेकंड में ग्राफ चेंज होता है, मतलब इसका रिजल्ट आपको 5 सेकंड के अंदर मिल जाएगा। मुझे लग रहा है कि ग्राफ अभी ऊपर जाएगा, तो मैंने अप एरो में क्लिक कर दिया। सो लेट्स सी क्या होता है। मेरा प्रेडिक्शन सही हो गया एंड मैं पैसे जीत गई। अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं, आप यहाँ पे ट्रेडिंग सीख भी सकते हो। आपको आपके डेमो अकाउंट में $10,000 मिल जाएगा, ये मेरी तरफ से होगा, एंड इससे आप ट्रेडिंग सीख भी सकते हो। पहले डेमो अकाउंट में सीख लो, देन रियल अकाउंट से ट्रेड करो, एंड अगर आप आपके फ्रेंड्स को रेफर करते हो देन आपको बोनस भी मिलेगा फ्रॉम $10 to $20 फॉर ईच पर्सन। एंड अगर आपके फ्रेंड्स ट्रेड करके सर्टेन ट्रेड गोल्स को रीच करते हैं देन आपके फ्रेंड को भी $10 बोनस मिल जाएगा, इजी टास्क कंप्लीट करके ही, लाइक वेरीफाइंग देयर अकाउंट। तो डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में लिंक एंड मेरा प्रोमो कोड दोनों दे दिया है, तो जल्दी से जाओ मेरा प्रोमो कोड यूज करके साइन अप करो एंड ट्रेड करके पैसे कमाओ। गाइस, आज की स्टोरी मेरे साथ शेयर किया है कुणाल ने। कुणाल को ना ये सब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, पैरानॉर्मल साइंसेस, जो चीजें होती है ना, इन सब में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। तो इसीलिए कुणाल और उसका बेस्ट फ्रेंड रोहन, वो दोनों इन सारी चीजों को लेकर रिसर्च करते रहते थे, बहुत सारे बुक्स पढ़ते थे, पॉडकास्ट सुनते थे, आर्टिकल्स पढ़ते थे। तो ऐसे करके उन लोगों का बहुत ज्यादा मतलब इंटरेस्ट दिन ब दिन बढ़ता गया। एक दिन एक ऑनलाइन आर्टिकल में कुणाल ने एक प्लैंचेट के बारे में पढ़ा, और उसको ना ये वाला प्लैंचेट का तरीका बहुत ज्यादा यूनिक एंड बहुत दिलचस्प लगा। तो उसने सोचा कि एक दिन वो जरूर इस प्लैंचेट को करने की कोशिश करेगा। गाइस, जिस वेबसाइट पे वो आर्टिकल था वहां पे क्लियरली मेंशन किया गया था कि इस प्लैंचेट को बिल्कुल भी ट्राई मत करना अगर आप एक्सपीरियंस्ड नहीं हो इन सब चीजों में। इवन फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं बता देती हूँ, ये जो वेबसाइट था ना, ये कोई नॉर्मल वेबसाइट नहीं था, ये डार्क वेब की एक वेबसाइट थी जहाँ पर उसको ये आर्टिकल मिला था। गाइस, डार्क वेब खुद से ही एक बहुत ज्यादा डरावनी जगह है, डरावनी चीज है, एंड वहाँ पे ये जो आर्टिकल मिला था, वहाँ पे वार्निंग मिलने के बाद भी कुणाल ने इसे ट्राई करने के बारे में सोचा। एंड उस आर्टिकल में ये भी मेंशन था कि इस प्लैंचेट को करने के लिए मिनिमम 3 लोगों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड 3 लोगों में से एक इंसान बन जाएगा उस प्लैंचेट का मीडियम, एंड मीडियम के ऊपर ही जो भी स्पिरिट है या आत्मा है वो आता है, एंड मीडियम के थ्रू ही बात करता है वो स्पिरिट। तो कुणाल ने सोचा कि हाँ, मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड रोहन, हम दोनों तो एक बार में ही राजी हो जाएंगे, बट हमें कोई और एक्स्ट्रा चाहिए जो हमारे साथ ये प्लैंचेट करेगा। तो इसलिए कुणाल और राहुल का एक और भी बहुत अच्छा दोस्त था जिसका नाम था राजीव। राजीव को ना ये सब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, पैरानॉर्मल रिचुअल्स, इन सब चीजों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। तो कुणाल को लगा जब राजीव ये सब चीजों पे मानता ही नहीं है तो एक काम करते हैं, उसको भी बुला लेते हैं, और अगर हमारा प्लान
गैजेट सक्सेसफुल रहा तो उसे भी हम प्रूफ कर सकते हैं। घोस्ट, भूत, प्रेत जैसी चीजें भी हमारे साथ साथ इस दुनिया के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए कुणाल और रोहन ने राजीव को जाके इस बारे में बताया तो वो भी मान गया। गाइस, ये जो प्लैंचेट रिचुअल था ना, इसको एक स्पेसिफिक नाइट में ही करने के लिए मेंशन किया गया था आर्टिकल में। मतलब एक ऐसा रात जिस रात को चांद नहीं निकलती है, मतलब अमावस की रात। एंड इस रिचुअल को एक ऐसे घर के अंदर करना पड़ेगा जहाँ पे जो तीन लोग रिचुअल को परफॉर्म कर रहे हैं उन तीनों के अलावा और कोई भी नहीं रहेगा। पर कुणाल, राजीव, रोहन इन तीनों के घर में ही बहुत सारे लोग रहते थे, मम्मी पापा भाई बहन, तो उन लोगों के घर में ना करने का मतलब कोई मतलब नहीं था। पर रोहन ने उन लोगों को बोला कि यार अभी तो मैं नए घर में शिफ्ट हुआ हूँ, बट हमारा जो पुराना घर है उसमें तो अभी कोई भी नहीं रहता। एंड गाइस, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि रोहन का ये जो पुराना घर है ना, ये एक मतलब अजीब सी सोसाइटी में है जहाँ पे ज्यादा लोग रहते ही नहीं है। ऊपर से उन लोगों का जो घर था ना, वो बहुत साल पुराना घर था और उस घर का ना उस टाइम पे बहुत ही बुरा कंडीशन हो चुका था। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि उस पुराने घर में ही इस प्लैंचेट रिचुअल को करेंगे। नेक्स्ट अमावस की रात को वो तीनों मिलके लगभग 11 बजे के करीब रोहन के पुराने घर में चले गए। बट जब वो रोहन के पुराने घर में गए ना, तभी से कुणाल और राजीव को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा। मतलब वहां का वाइब ही इतना ज्यादा नेगेटिव सा था, वहां पे जाके उन लोगों को इतना ज्यादा डर लग गया कि वो दोनों ही सोच रहे थे कि चलो यार हमारा प्लान क्विट करते हैं, घर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छा फील नहीं हो रहा है। बट उन दोनों का जो फ्रेंड था राजीव, जो कि ये सब पैरानॉर्मल हॉन्टेड चीजों में मानता ही नहीं था, वो बार बार प्रेशराइज कर रहा था, यार तुम लोग इतने डरपोक क्यों हो, क्यों ऐसे डर के भाग जा रहे हो, मैं बोल रहा हूँ ना ऐसा कुछ भी नहीं होता, अगर होता है मेरे सामने आज प्रूफ करो कि ऐसा कुछ चीज होता है। एंड ये सब सुन के ना वो दोनों भी काफी गुस्सा हो गए और उन दोनों ने भी सोचा कि चलो आज तो हम करके ही रहेंगे। तो उन लोगों ने सारी चीजें अरेंज करी एक रूम के अंदर। इस प्लैंचेट रिचुअल को करने के लिए उन लोगों को एक पिक्चर बनाना था जो कि काफी डरावना था गाइस। मतलब एक पैटर्न है जिसमें ना ऐसे स्टार टाइप का बना हुआ होता है और उस स्टार को ना नमक से बनाया जाता है और उसके अंदर सिंदूर लगाया जाता है और उसमें ना तीन ट्रायंगल्स बनते हैं जहाँ पे तीन नींबू रखा जाता है और उन तीन ट्रायंगल के पॉइंट होता है ना वहाँ पे एक एक जन को बैठना है, मतलब तीन जन को तीन पॉइंट्स में बैठना है। तो ऐसा एक पैटर्न बनाने के बाद वो तीनों वहाँ पे बैठ गए एंड वो जो पैटर्न था उसके एकदम बीच वाले हिस्से में एक मोमबत्ती लगाया जाता था। तो उन्होंने उस मोमबत्ती को भी जला दिया एंड उन लोगों ने चैंटिंग की जो चैंट करना था स्पिरिट को बुलाने के लिए। बट जब आप प्लैंचेट करते हो तब आप स्पिरिट को बुला तो सकते हो, बट आपको ये भी आना चाहिए कि कैसे उस स्पिरिट को वापस भेजना है, नहीं तो वो कभी वापस नहीं जाता। तो गाइस, उन लोगों ने सारी चैंटिंग स्टार्ट की जो भी उस रिचुअल में करना था। रोहन और कुणाल तो बहुत ज्यादा सीरियसली इस प्रोसेस को कर रहा था, वो दोनों ही बहुत ज्यादा डरे हुए थे बट फिर भी वो सारे रूल्स फॉलो कर रहे थे। बट राजीव को ये सब चीजों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो वो ना पहले से ही मजाक कर रहा था, मतलब ये सारी चीजों को वो मजाक में ले रहा था। बट फिर भी कुणाल और रोहन ने बहुत कोशिश किया उसको चुप कराने का, तो वो चुप कर गया एंड वो भी चैंटिंग कर रहा था उन लोगों के साथ। तो चैंटिंग करते करते अचानक उस रूम का जो दरवाजा था वो जोर से बंद हो गया, मतलब आवाज आया दरवाजा बंद होने का, इतना जोर से बंद हुआ। ये सुन के कुणाल और रोहन बहुत ज्यादा डर गए, पर राहुल ने बोला शायद हवा चल रहा होगा इसीलिए ये हुआ, कोई डरने की बात नहीं है, चलो हम कंटिन्यू करते हैं। तो फिर से उन लोगों ने इस रिचुअल को, इस प्लैंचेट को कंटिन्यू किया एंड वो लोग फिर से चैंटिंग करने लगे। जब वो फिर से चैंटिंग करना चालू किया तब अचानक वो मोमबत्ती बुझ गया, जबकि कमरे में ना बिल्कुल भी हवा नहीं चल रहा था, पर इस टाइम पे कोई भी बात नहीं कर रहा था। मोमबत्ती का बुझ जाना ना एक ऐसा सिग्नल होता है कि आपने जिस आत्मा को बुलाया है वो वहां पर आ चुका है। तो जब वो मोमबत्ती बुझ गया तब सबको समझ में आ गया कि अभी जो स्पिरिट को हमने बुलाया है वो इस रूम के अंदर आ चुका है। तो वो लोग एकदम अपना आंखें बंद करके उस रिचुअल में जो जो करना था वही कर रहे थे। तो
कुछ देर शांत रहने के बाद कुणाल ने सवाल किया कि क्या अभी हमारे साथ इस रूम के अंदर कोई आत्मा है? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड्स बाद रोहन ने भी ये सेम सवाल किया, क्या हमारे साथ इस कमरे में अभी कोई आत्मा है? फिर से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अभी वो दोनों चुपचाप वेट कर रहे थे कि राजीव भी कुछ ना कुछ तो पूछेगा, पर उन लोगों को बहुत ज्यादा अजीब लगा कि राजीव इतना चुपचाप है, क्योंकि राजीव इतना चुपचाप रहता नहीं है। तो उन लोगों ने राजीव को बुलाया, राजीव राजीव, बट राजीव ने कोई भी आवाज नहीं दिया। अचानक उस कमरे के अंदर से किसी लड़के के हंसने की आवाज आई। वहां पे तीनों ही लड़के थे, कोई लड़की थी ही नहीं। गाइस, सबके आंखें एकदम बंद थे, बट फिर भी उस हंसी की आवाज को सुन के उन लोगों को समझ में आ गया कि वो आवाज राजीव के गले से निकल रही थी, क्योंकि राजीव जहाँ पे बैठा हुआ था एग्जैक्टली उस साइड से ही एक लड़की की हंसने की आवाज आ रही थी। उन दोनों को समझ में आ गया कि आज की प्लैंचेट में राजीव ही मीडियम बन चुका है और उसके अंदर ही अभी आत्मा घुस चुकी है। तो कुणाल तो बहुत ज्यादा डर गया, उसके अंदर और हिम्मत नहीं था कि वो नेक्स्ट कोई सवाल करे। बट रोहन को लगा कि राजीव तो हमेशा ऐसे मजाक करता रहता है, तो हो सकता है वो मजाक मजाक में लड़की का आवाज निकाल के हंस रहा है और हमें डराने का कोशिश कर रहा है। तो वो बहुत गुस्सा हो गया और तुरंत प्लैंचेट छोड़ के उठ गया। बट कुणाल को समझ में आ चुका था कि राजीव कोई मजाक नहीं कर रहा था, वहां पे एक्चुअल में किसी लड़की की स्पिरिट उन लोगों के साथ मौजूद थी। तो कुणाल ने डर के मारे मोमबत्ती को जला दिया ताकि थोड़ा रोशनी हो जाए, और ये उसने सबसे बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि जब तक वो लोग उस आत्मा को वापस नहीं भेज देते ना, तब तक मोमबत्ती जलाने का बिल्कुल भी रूल नहीं था। मतलब उन लोगों ने इस प्लैंचेट को पूरी तरह से खत्म किया ही नहीं। जब कुणाल ने मोमबत्ती को जलाया तब उसने देखा कि राजीव की आंखें ना बिल्कुल खून की तरह लाल हो गई थी। उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो कोई नशे में है। ये सिचुएशन देख के वो दोनों ही डर गए। उन दोनों ने राजीव को बोला कि चल चल अभी घर चलते हैं, और जब उन्होंने राजीव से बात करी तब अचानक राजीव लड़कियों की आवाज में अजीब टाइप की लैंग्वेज में बात कर रहा था। जैसी भाषा, जैसी लैंग्वेज हमने कभी सुना ही नहीं है। राजीव अचानक रोने लग जा रहा था, कभी कभी रो रहा था, कभी कभी अपने आप हंस रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि राजीव बिल्कुल पागल हो चुका है। ये सब देख के वो दोनों बहुत ज्यादा डर गए, पर फिर अचानक राजीव बेहोश हो गया और बेहोश होके वो जमीन पे गिर गया। ये देख के तो वो दोनों और ज्यादा डर गए। वो दोनों जल्दी से नजदीक से ही पानी लेके आए और राजीव के चेहरे पे पानी के छींटे मारने लगे, बहुत सारा पानी उसके सर पे डालने लगे। थोड़ी देर बाद राजीव को होश आया। वो बिल्कुल चुपचाप था, किसी से भी कोई बात नहीं कर रहा था और बहुत ज्यादा वीक भी हो चुका था। उन दोनों ने सोचा कि राजीव अभी शायद ठीक हो चुका है, तो उन दोनों ने राजीव को पकड़ा और पकड़ पकड़ के धीरे धीरे कार में बिठाया। वो दोनों पहले राजीव के घर गए, राजीव को घर में ड्रॉप किया, फिर वो दोनों अपने अपने घर चले गए। पर नेक्स्ट डे राजीव के घर से उसके पापा ने कॉल करके बोला कि कल रात से राजीव पागलों की तरह चिल्ला रहा है, घर की सारी चीजें तोड़ रहा है, खुद को नोच रहा है, दीवारों को नोच रहा है, इवन रात से उसने कई बार उल्टियां भी की, और वो किसी अजीब सी लैंग्वेज में बात कर रहा है जो किसी को समझ में नहीं आ रहा है। उसके पापा ने ये भी पूछा, क्या उसने किसी चीज का नशा किया था, इस वजह से ये सब हो रहा है? क्योंकि उसके पेरेंट्स को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि राजीव के साथ क्या हुआ है। देन कुणाल ने उन लोगों को सारी चीजें बताई कि उन्होंने प्लैंचेट किया था और प्लैंचेट के बाद ये सब क्या क्या हुआ है। और ये सब सुनने के बाद राजीव के पापा ने बहुत सारी कोशिशें की। वो राजीव को लेके मंदिर गए, मस्जिद गए, बहुत सारे तांत्रिक के पास लेके गए, पर कुछ भी फायदा नहीं हुआ। राजीव का हाल इतना ज्यादा बदतर हो गया था कि उसे हर वक्त रूम के अंदर ना बांध के रखा जाता था, नहीं तो वो हर एक चीज को तोड़ फोड़ करता था, मतलब एकदम पागलों वाला बर्ताव करता था। कभी कभी राजीव बिल्कुल ठीक हो जाता था, एकदम नॉर्मल हो जाता था, जैसे राजीव पहले था वैसे ही हो जाता था। बट 5-6 दिन बाद उसको फिर से सेम चीज का दौरा पड़ता था, वो फिर से ऐसी पागलों जैसी हरकतें करता था। उसके मम्मी पापा उसे हर वक्त कमरे में बांध के रखते थे, बट फिर भी पता नहीं कैसे एक दिन रात को राजीव उसके
फ्लैट की छत पे चला गया और पता नहीं उसने छत से खुद से जंप किया या फिर किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया, बट वो उस फ्लैट के छत से नीचे गिर गया। इतनी जोर से आवाज सुन के कुछ लोग बाहर निकल के आए और जब देखा कि राजीव नीचे गिर चुका है, तब भी वो जिंदा था और वो कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, बट वो क्या बोल रहा था किसी को भी समझ में नहीं आया। उन लोगों ने राजीव के मम्मी पापा को भी खबर दिया। उसके मम्मी पापा जब नीचे आए, उन्होंने तुरंत राजीव को हॉस्पिटल में लेके गए, बट राजीव हॉस्पिटल में भी 2 दिन तक जिंदा था आईसीयू में, बट डॉक्टर्स भी राजीव को बचा नहीं पाए। लास्ट में 2 दिन बाद उसकी मौत हो गई। सो गाइज, ये स्टोरी सुन के ना मुझे इतना ज्यादा डर लगा, क्योंकि शायद ये पहली स्टोरी होगी जिसमें किसी का डेथ हो गया। मतलब सच्ची में यार, जो पैरानॉर्मल हॉन्टेड रिचुअल्स होती है, जो ये सब प्लैनचेट वगैरह जैसी चीजें होती है ना, इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि प्लीज यार ट्राई मत करो। हो सकता है कि आप मजाक में ही ये सब चीजें ट्राई कर रहे हो, बट इसका नतीजा ना बहुत ज्यादा डरावना हो सकता है, बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो मैं यही बोलूंगी आपसे कि प्लीज ये सब चीजें घर पे ट्राई मत करना। तो आज का स्टोरी यही था गाइज। अगर आप मेरे साथ कोई भी स्टोरी शेयर करना चाहते हो, आप मेरी मेल आईडी में मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।